बंद करने के लिए क्या करना होगा? हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आई थिंक दैट ऑल ऑफ यू आर फाइन इन दिस लॉकडाउन पीरियड। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट केमिस्ट्री ऑफ क्लास 9 एंड वी हैड स्टार्टेड दिस फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग। इन दिस चैप्टर ऑलरेडी वी हैड डिस्कस्ड स्टडे दैट द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल एंड द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेसेज बिटवीन देम। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेज बिटवीन देम। पदार्थ के जो कण होते हैं वो बहुत बहुत अत्यंत छोटे होते हैं। ये पार्टिकल्स ऑफ मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अर्थात पदार्थ के कणों के गुण हैं। तो पदार्थ के कणों के चार गुणों के बारे में समझना हमको। इसमें पहला है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। पदार्थ के जो कण होते हैं वो बहुत बहुत छोटे होते हैं। दूसरी बात है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेज बिटवीन देम। पदार्थ के कणों के बीच में खाली जगहें होती हैं, कुछ थोड़ा थोड़ा। द पार्टिकल्स, तीसरी बात है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। हमेशा मूव करते रहते हैं मैटर के पार्टिकल, जिसके बारे में पहले भी मैंने बताया था। ये मूवमेंट जो है मैटर के पार्टिकल्स का गैसियस मैटर में बहुत अधिक होता है, लिक्विड्स में इंटरमीडिएट है और सॉलिड में बहुत ही कम होता है। वो कंपन की अवस्था में होते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं मैटर के पार्टिकल्स। चौथा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टिकल्स ऑफ मैटर का वो यह है कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो दीज आर द फोर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर अबाउट विच वन बाय वन वी हैव टू डिस्कस बाय परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट्स और वी कैन से सिंपल एक्टिविटी। द फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। दिस इज अ टॉपिक हियर दैट इज ऑन 8/5/2020 चैप्टर 1 क्लास 9 केमिस्ट्री। चैप्टर 1 का नेम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स और यहां देखिए टॉपिक नेम है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, इसी को समझना है हमको। कम समय में ये वीडियो तैयार हो जाए इसके लिए मैंने पहले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, जो बात है, जो नोट्स है उसको मैंने यहां लिख दिया है। और वैसे फिजिक्स का जो वीडियो मैंने बनाया तो उसमें हमने लिखा नहीं था, पढ़ाते समय हम लिखते जा रहे थे तो ज्यादा देर का बन गया। आप लोग उसको समझिएगा। और जो इसमें जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का जो डेराइवेशन हुआ है वो नीचे में जो आपको ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर जो इस फॉर्मूला जो बैठाया गया है उसमें 2a स्क्वायर होगा, वहां 2a लिखा हुआ है, उसको स्क्वायर अप कर देंगे तब a और a कटेगा और 2a बच जाएगा। तो यह बात हो गई फिजिक्स की। दूसरी बात यह है समझना है यहाँ कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, बहुत छोटा होता है, बहुत बहुत छोटे होते हैं। दिस इज द टॉपिक नेम एंड नाउ वी हैव टू नो वी हैव टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी एंड टू व्हाट वी हैव टू डू इन दिस एक्टिविटी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक सम क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट ये केमिकल सब्सटेंस है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला KMnO4 होता है, KMnO4। और वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप जानते हैं H2O होता है। तो पोटेशियम परमैंगनेट का दो तीन क्रिस्टल आप लेंगे। क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है, एमोर्फस नहीं है, क्रिस्टलाइन है, रवादार पदार्थ है। इसका हम दो तीन ये क्या लेते हैं, इसका क्रिस्टल लेते हैं और 100 ml ऑफ वाटर लेते हैं, 100 ml पानी लेते हैं किसी ये स्वच्छ शीशा के बीकर में लेते हैं और उसमें हम इस दो तीन पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल को डालकर और उसमें हम उसको चलाते हैं, डिजॉल्व करते हैं।
वो अपने से भी डिजॉल्व हो जाएगा, दे विल डिजॉल्व देमसेल्फ, बट टू डिजॉल्व फास्ट वी स्टीर इट है ना विथ ग्लास रॉड, उससे स्टीर करते हैं और चलाते हैं उसको, तो स्टीर करने पर वो भूल जाता है तुरंत और डिजॉल्व हो जाता है बीकर. देन वी विल गेट अ डीप पर्पल कलर सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट. ये डीप पर्पल कलर का सोल्यूशन मिलेगा, एक्वाइस सोल्यूशन मिलेगा KMnO4 एंड H2O. द कॉन्ट सोल्यूशन ऑफ KMnO4 एंड H2O. कॉन्ट मीन्स कंसेंट्रेटेड, ऐसा सोल्यूशन जिसमें वाटर तो है पर वाटर में सब्सटेंस की मात्रा बहुत अधिक हो, तो उसको कहेंगे कॉन्क सोल्यूशन ऑफ KMnO4 एंड H2O. तो कॉन्क सोल्यूशन हुआ, डीप पर्पल कलर का सोल्यूशन हमें मिलेगा. ठीक है, अब क्या करना है, वी हैव टू टेक 10 ml ऑफ डीप पर्पल सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट फ्रॉम द फर्स्ट बीकर. ये फर्स्ट बीकर में से 10 ml लेना है, 10 ml किसी ये टेस्ट ट्यूब में ले लेना है, इसमें से सोल्यूशन ये फर्स्ट बीकर से, और दूसरा फिर 90 ml वाटर लेना है दूसरे बीकर में, सेकंड बीकर में. व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टेक 10 ml ऑफ डीप पर्पल सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट फ्रॉम द फर्स्ट बीकर एंड दिस 10 ml ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट विच इज टेकन फ्रॉम द फर्स्ट बीकर इज मिक्स्ड विथ 90 ml ऑफ वाटर प्रेजेंट इन सेकंड बीकर. अब सेकंड बीकर में 90 ml पानी है, इसमें हम इसको मिला देंगे वो 10 ml जो इसमें से लिया है, तो है ना 10 ml सोल्यूशन को, और उसको फिर डायल्यूट करेंगे. देन वी डायल्यूट इट, यहां डायल्यूट इट, इसको डायल्यूट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ड्यू टू दिस डायल्यूशन द कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन इन द सेकंड बीकर बिकम्स अ बिट लाइटर. इस सेकंड बीकर में तो ये पोटेशियम परमैंगनेट का सोल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा, लाइट ये क्या होगा कि लाइटर हो जाएगा, थोड़ा लाइटर हो जाएगा, बिट लाइटर, थोड़ा लाइटर हो जाएगा, लेकिन ये पर्पल कलर रहेगा, पर्पल कलर परसिस्ट करेगा इसमें सेकंड बीकर में. तो ऐसा समझने के लिए हमने यहाँ काफी घना कर दिया है इसको, थोड़ा सा एंड विरल कर दिया, इससे विरल ये बनाया, इससे विरल ये, इससे विरल ये बनाया, जो कि ये शो करेगा कि कलर जो है वो बिट लाइटर देन लाइटर देन लाइटर एंड सो ऑन होता जा रहा है, और लेकिन ये कलर जो है वो परसिस्ट कर रहा है, उसमें है ऑलरेडी. तो इस तरह से देखेंगे ये हो गया यहाँ सेकंड बीकर में. अब फिर क्या करेंगे, सेकंड बीकर में से नाउ टेक 10 ml ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन फ्रॉम द सेकंड बीकर एंड मिक्स इट विथ 90 ml ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द थर्ड बीकर. तीसरे बीकर में 90 ml पानी है, इसमें 10 ml मिला देंगे, इसमें से 10 ml लेकर पोटेशियम परमैंगनेट का सोल्यूशन हम क्या देखेंगे, हम देखते हैं और इसको फिर डायल्यूट करते हैं. टू डायल्यूट फर्दर, डायल्यूट फर्दर, इसको डायल्यूट करेंगे है ना, वी सी दैट द कलर ऑफ सोल्यूशन विल बिकम स्टिल लाइटर है ना, हियर द कलर ऑफ सोल्यूशन विल बिकम स्टिल लाइटर मींस ये क्या हो जाएगा, बिट लाइटर हो जाएगा यहाँ, फिर ये लाइटर, इससे हल्का कलर हो जाएगा पर है ना, बट द कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट विथ इज पर्पल कलर परसिस्ट इन द थर्ड बीकर टू, इस थर्ड बीकर में परसिस्ट करता है. द कलर ऑफ सोल्यूशन विल बिकम स्टिल लाइटर, वी कीप ऑन डायल्यूटिंग द पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन लाइक दिस मैनर है ना, इन नंबर ऑफ देम, ये कई बार हम करेंगे इसको, फाइव यहाँ फाइव टाइम्स, पांच बार किया गया है, 1, 2, 3, 4, 5 पांच बीकर में वाटर लेगा, पहले बीकर में 100 ml में वाटर लिए थे और बाकी के चार बीकर में 90 ml ऑफ वाटर लेना है और 10 ml पहले वाले बीकर में से सोल्यूशन लेके इसमें डाल के डाइल्यूट करना है. तो इस तरह से हमने देखा कि पांच बार हमने किया एंड देन वी गेट अ वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, बहुत ही डाइल्यूट सोल्यूशन मिला पोटेशियम परमैंगनेट का यहाँ पांचवे बीकर में, इन द फिफ्थ बीकर है ना. अब हम देखेंगे ये कि बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन मिला पोटेशियम परमैंगनेट का है ना इन वाटर, बट द वाटर इज स्टिल कलर, लेकिन वाटर ब्लू कलर है ना, इट हैज अ लाइट पिंक कलर, और लाइट पिंक कलर का हो गया. सो दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट जस्ट टू और थ्री क्रिस्टल्स ऑफ KMnO4 मींस पोटेशियम परमैंगनेट कैन इम्पार्ट कलर टू अ लार्ज नंबर ऑफ वाटर, बहुत बड़े नंबर ऑफ वाटर में. यहाँ कितने में कर रहा है, 460 ml में, 100 ml पहले लिया, उसके बाद 90 ml 90 ml 90 ml 90 ml, 394 जा 360 और 100 ml वाटर यहाँ हो गया. 460 ml वाटर को है ना डाइल्यूशन करने पर वो क्या किया, कलर कर दिया पोटेशियम परमैंगनेट का 2 या 3 क्रिस्टल. सो दिस एक्सपेरिमेंट शो दैट जस्ट 2 और 3 टीनी क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम
two or three indications of potassium permanganate means KMnO4 impart color to a large volume of water means H2O. From this observation we conclude. हम conclude करते हैं from this observation or from this activity, है ना? We conclude that even after developing the KMnO4 solution, a number of times the color of KMnO4 particles, the color of KMnO4 persist करेगा in the, मतलब रहेगा वो color in the solution, which shows that each KMnO4 crystal itself must be made up of millions of small particles which keep on spreading and imparting to more and more water according to activity 460 ml of water on dilution. So we or hence we understand or we conclude that the particles of matter here KMnO4 are very very small. तो इस तरह से यह साबित हुआ कि मैटर का पार्टिकल बहुत ही छोटा होता है, बहुत बहुत छोटा होता है. नाउ सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स अबाउट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज हियर, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम, मतलब पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव और मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर हैव इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसेस बिटवीन देम टू अंडरस्टैंड. सो टू अंडरस्टैंड दिस characteristics of particles of matter we will discuss tomorrow, okay? And now this topic is finished.